हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको क्रोशिया का बहुत प्यारा सा डिजाइन बताने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें 46 चैन यानी 46 चैन बुन ली है। और अब देखिए, हम इसके बाद 3 चैन और बुनेंगे। 1, 2, 3 3 चैन बुनने के बाद एक बल डालेंगे और डबल क्रोशिया से हमने हर चैन में बुनना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। देखिए ये 9 हो गए हैं फ्रेंड्स, और एक चैन मिला के 10 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखिए 10 टाइम मैंने बुन लिया। आप देखिए क्या करेंगे, 1 और 2 चैन बुनेंगे, एक बल लेंगे और नीचे से भी देखिए 1 और 2 चैन स्किप करके थर्ड वाली चैन में हमने फिर से 10 चैनों में 10 बार ही डबल क्रोशिया से बुनना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। देखिए इस तरह से फर्स्ट रो बनेगी। देखिए ये 10 टाइम है, फिर 2 चैन, इस तरह से एक जाली आ गई है बीच में, फिर ये 10 टाइम हो गया है। और फिर अब इसमें हम फिर से जाली डालेंगे, 1 और 2 एक बल लेंगे, 1 और 2 यानी 2 चैन स्किप करके थर्ड वाली चैन से फिर हमने 10 टाइम बुनना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, मैं इस फर्स्ट रो को कंप्लीट करके सेकंड रो में बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। ये फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, ये 10 टाइम है फ्रेंड्स, यानी ये हमने 10 बार बुना है डबल क्रोशिया से, फिर 2 चैन की जाली है, फिर ये 10 बार है, फिर जाली है। इस तरह से ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड रो देखिए, मैंने 3 चैन बुन ली है। अब इसे पलट कर फिर से फ्रेंड्स, जैसे हमने फर्स्ट रो बुनी है इसी तरह हमें सेकंड रो भी बनानी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने इस डिजाइन में 10 रो इसी तरह से प्लेन बुननी है, उसके बाद हमारा डिजाइन शुरू होगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि 10 रो बनाने के बाद इसकी लुक कैसी आएगी। तो आप देखिए सेकंड रो देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा देखिए, ये 10 टाइम हो गया। फिर से देखिए 2 चैन बुनी है, 1 और 2, फिर आपने इस पर 10 टाइम बुनना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए मैंने 10 टाइम बुन लिया है। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये मैंने देखिए बुन ली है, 10 लाइनें इसकी, और ये बीच में जाली चल रही है। अब देखिए हम इसका डिजाइन कैसे स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फ्रंट साइड है, और फ्रंट साइड पे हमने आगे से ही देखिए, यहां से अब हमने ये जो हमारी जाली है इस पे हम डिजाइन बनाएंगे। तो इसे पीछे से रख के इस तरह से लेकर आइए।
आपका फ्रंट साइड है इस तरह से। फिर आपने एक दो तीन, तीन चैन बुननी है और तीन चैन बुनने के बाद इस जाली को इस तरह पकड़ लीजिए, फिर एक बल लीजिए और देखिए एक चैन और ये दो हो गए, फिर ये तीन हो गए। तीन के बाद फ्रेंड्स आपने देखिए दो चैन बुननी है, एक और दो, दो चैन एक बल लेंगे, फिर इसी जाली में हमने तीन बार और बुनना है, ये एक दो तीन। देखिए इस तरह से इस जाली में हमने इस तरह से बनाया, फिर देखिए हमने चैन बुननी है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। देखिए हमने बारह चैन बुनी फ्रेंड्स। अब हमने क्या करना है, देखिए अब जो सेकंड जाली है ये वाली, आपने सेकंड जाली में फिर से इसी तरह बुनना है, ये देखिए एक तो डबल क्रोशे से बुनेंगे तीन, फिर देखिए एक दो, दो चैन गैप आ गया, फिर से हमने इसी जाली में तीन बार और बुनना है डबल क्रोशे से, एक दो और तीन, फिर देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। बारह चैन बुनेंगे, एक बल लेंगे। अब देखिए ये जो हमारी चैन जाली है, इस वाली जाली में इस तरह से रखिए, हम फ्रंट साइड पे बुन रहे हैं फ्रेंड्स, एक दो तीन डबल क्रोशे से बुन लिया, फिर बीच में गैप देंगे दो चैन का, दो चैन आ गई, फिर से हमने डबल क्रोशे से बुनना है। तो ये जो हमारी पहले, तो फ्रेंड्स हमने फर्स्ट रो में 10 बार फर्स्ट रो को रिपीट करा तो हमारी एक पट्टी सी तैयार हो गई। अब हमने देखिए सेकंड रो इस तरह से इसकी हमने बनाई है। अब देखिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब आपने क्या करना है, ये देखिए अब आपने इस तरह से रखना है। अब देखिए सेकंड रो है इसकी, इस डिजाइन की। अब आपने देखिए एक दो तीन, तीन चैन बुनेंगे और तीन चैन बुनने के बाद देखिए अब इस जाली में जो सेकंड जाली है इसके ऊपर की, इस जाली में और ये जो आपने बनाया है यहाँ, इन दोनों में से आपने डबल क्रोशे से बुनना है, एक दो तीन, फिर देखिए एक दो चैन एक बल, फिर इसी में एक दो तीन, फिर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह चैन, फिर देखिए एक बल लेंगे। और अब आपने देखिए इसमें जो गैप था, ये दो और ये दो जाली का गैप है, इन दोनों को एक साथ इस तरह से मिलाकर डबल क्रोशे से थ्री टाइम बुनेंगे, एक हो गया दो तीन, फिर इसमें गैप देंगे दो चैन का, दो चैन आ गई, फिर से हमने दोनों जालियों में से एक बार इन दोनों में से बुनना है, दो तीन, फिर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, फिर बल लेंगे, फिर देखिए इस तरह रखेंगे बारह चैन के बाद, इसमें सिक्स टाइम बुनेंगे, बीच में तीन तीन के बाद आपने गैप देकर सिक्स टाइम टोटल हो जाएगा। तो ये देखिए दो हो गए हमारे, दो के बाद
ये तीन, फिर एक और दो, दो चैन, फिर से इसी में बुनेंगे, इसी जाली में, एक दो तीन, फिर एक दो तीन। ये अब हम फ्रेंड्स तो देखिए इस तरह से, देखिए सेकंड रो भी इस तरह मैंने बना ली। देखिए दो जालियां, दो चैन, दो लाइनें बन गई, एक और दो। तो फ्रेंड्स इस तरह से देखिए जो मैंने बुना है। अब मैं इस तरह से फ्रेंड्स चार बार बुनकर फिफ्थ रो में बताऊंगी कि आपको क्या करना है। तो मैं ये फोर टाइम और बुन लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से देखिए मैंने टू रो और रिपीट कर लिए। देखिए इस तरह से मेरी ये देखिए, ये एक दो तीन चार, इस तरह से मेरी चार लाइनें कंप्लीट हो गई हैं। अब देखिए फ्रेंड्स हम फिफ्थ रो में क्या करेंगे। तीन चैन बुन ली मैंने, तीन चैन बुनने के बाद आपने जैसे ये चल रहा है इसी तरह इसी को बुनना है दोबारा से। देखिए इस जाली में और ये पीछे वाली जाली में, इन दोनों में से आपने फिर से फोर टाइम बुनना है, ये सिक्स टाइम बुनना है सॉरी। ये देखिए ये एक दो तीन, डबल क्रोशिया से तीन बार, फिर बीच में दो चैन डालिए, दो चैन, फिर से इसी जाली में तीन बार बुनेंगे डबल क्रोशिया से, एक दो तीन। देखिए फिर फ्रेंड्स देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, छः चैन बुनने के बाद देखिए ये जो चार लाइनें बनाई थी आपने, ये चारों देखिए इसके नीचे से, यहाँ से आपने इसके नीचे से, इन चारों के नीचे से आपने एक बार सिंगल क्रोशिया से इस तरह से बुनना है। देखिए इस तरह फिर आपने छः चैन बुननी है, एक दो तीन चार पाँच छः, छः चैन बुनने के बाद फिर से आपने एक बल लेना है और फिर आपने इन दो जालियों को देखिए, ये एक जाली और ये पीछे वाली जाली, इन दोनों को इस तरह से, इन दोनों में से आपने फिर से बुनना है आपने, एक दो तीन, फिर एक दो, दो चैन, फिर से इसी जाली में आपने बुनना है, एक दो और ये तीन। फिर देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, छः के बाद आपने एक दो तीन चार, इन चारों के नीचे से इस तरह से देखिए आपने सिंगल क्रोशिया से इस तरह से, फिर आपने एक दो तीन चार पाँच छः, फिर से अधिक बल लेना है और ये देखिए यहाँ से और इस जाले से इन दोनों को अटैच करना है, एक दो तीन, एक दो, दो चैन, फिर से तीन बार और बुनिए, एक दो तीन, फिर एक दो तीन। तो इस तरह से बनेगा फ्रेंड्स, देखिए इसकी लुक इस तरह से आएगी, देखिए। बस फ्रेंड्स ये देखने में थोड़ा मुश्किल है लेकिन बनाना आसान है। ये सेकंड रो ही रिपीट करी है मैंने और ये फर्स्ट रो है, तो ये दो रो का डिजाइन है। अब इसके ऊपर आपने फिर से फ्रेंड्स देखिए इसे बैक साइड करके इस तरह से अब आपने एक बल लेना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने तीन चैन बुन ली है। अब हम देखिए फिर से हमने एक बल लेना है और ये देखिए ये एक जाली है और इसके बीच में जो दो चैन का गैप छोड़ा था इसमें, यानी इन दो जालियों में से हमने फिर से डबल क्रोशिया से ही बुनना है, एक दो
तीन, फिर एक दो, दो चैन, फिर से हमने इसी जाली में से तीन बार और बुनना है। ये रहा, एक दो तीन, फिर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह चैन बुनेंगे। और फिर देखिए ये जाली है और ये जाली, इन दोनों जालियों में से हमने सिक्स टाइम फिर से बुनना है। एक दो तीन, फिर एक दो, दो चैन, फिर से सिक्स टाइम बुनेंगे। एक दो तीन, तो देखिए सिक्स टाइम हो गया है, तीन इधर बीच में गैप, फिर से हमने बारह चैन बुननी है। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने नीचे बनाए थे फोर रो, इसी तरह से अब हमने फिर से फोर रो इसी तरह रिपीट करना है। देखिए इस तरह, जैसे ये है, इस तरह से मैं फोर बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए मैंने फोर रो भी कंप्लीट कर ली है। देखिए एक दो तीन चार, और अब देखिए इसकी फिफ्थ रो जो बनेगी ऊपर वाली, इस तरह से बनेगी। देखिए अब हम इसे पलटेंगे और तीन चैन बुनेंगे, एक दो तीन, तीन के बाद एक पल लेंगे। और ये देखिए, अब ये जो हमारी देखिए एक इधर की जाली एक इसकी जाली, इन दोनों को साथ रख के इसके बीच में यहाँ से हमने इस तरह से एक दो तीन, फिर इस तरह से एक दो, दो गैप, फिर हमने इसी पे इस तरह एक दो तीन इस तरह, फिर देखिए एक दो तीन चार पाँच छ, छह बुनने के बाद आप देखिए इनके नीचे से यहाँ से आपने फिर से इन चारों के नीचे से इस तरह से, फिर देखिए एक दो तीन चार पाँच छ, फिर देखिए इस जाली से इस जाली को इस तरह, दो चैन फिर से इसी में बनेंगे। एक दो तीन चार पाँच छ, छ के बाद देखिए एक दो तीन, इनसे नीचे से इस तरह से, फिर एक दो तीन चार पाँच छ, इस तरह एक दो तीन, फिर एक दो गैप, एक दो, इस तरह से देखिए मेरा डिजाइन बिल्कुल कंप्लीट हो गया। और देखिए बनने के बाद कितना प्यारा लग रहा है। फ्रेंड्स, आपने सिर्फ टू ही रो रिपीट करनी है। देखिए ये फर्स्ट सिंपल है जो मैंने आपको बताई थी डबल क्रोशे से, इसके बाद ये सेकंड भी सिंपल ही है, बस आपने इन टू रो को रिपीट करना है। और आप जितना बड़ा डिजाइन बनाना चाहती है फ्रेंड्स, इतना बड़ा डिजाइन बनाए। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
है।